दोस्तों, माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत मंगल विशेष। और माता सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने जो कार्य बताया है, उस सब कार्य को आप आगे बढ़ाते रहेंगे, इसके लिए भी आपको मैं विशेष देता हूँ। आप देखेंगे कि सावित्रीबाई फुले ने जो कार्य किया है एजुकेशन का, 1848 में पहली स्कूल बनाया, वो लेडीज़ के लिए बनाया, वीमेंस के लिए। और फिर 1951 में अनटचेबल्स के लिए दूसरा स्कूल बनाया। और उसके बाद में आप देखेंगे कि इस देश में स्कूल की लड़ी लग गई है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय, जो सावित्रीबाई फुले के नाम से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इस देश में खुल गई है। तो एजुकेशन का महत्व आप जानते हैं। आप देखेंगे कि एजुकेशन का महत्व हमारे ज़िंदगी में क्यों है, कैसे है। तो सावित्रीबाई फुले ने जैसे एजुकेशन का काम शुरू किया, और जो शाहू महाराज ने उसे आगे बढ़ाया, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, क्योंकि संविधान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, संविधान से इस दुनिया में, मतलब भारत में कोई भी बड़ा नहीं है, उस संविधान ने, भारत के संविधान ने 50 बार एक शब्द को लिखा है, 50 बार एक शब्द भारत के संविधान में आया है, और वो है शब्द एजुकेशन। तो सावित्रीबाई फुले ने जो कार्य किया है, उस कार्य को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बहुत अच्छी तरीके से कोडिफाइड किया है। फ्रेंड्स, हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि संविधान ने, या ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो एजुकेशन दिया है, वो हमें इस देश में एक लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश में डेमोक्रेसी को लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ज़रूरी है। बट आप देखेंगे कि हमारे देश में एक डेमोक्रेसी का निर्माण नहीं हो रहा है, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि मैं लॉयर हूँ, और बहुत सारे दोस्त मुझे बता रहे हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैं 2 मिनट बात करूँ। आप देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने इस देश में जो संघर्ष किया है 1818 में, और लड़ाई जीती है बहुजन समाज के लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ, इस देश में जो लड़ाई जीती, उसके बाद में नए भारत का निर्माण हुआ, ये जो डेवलपमेंट आया है पूरे भारत में, रेलवे आई है, पोस्ट आया है, टेलीकम्युनिकेशन आया है इस देश में, एजुकेशन आया है, आप देखेंगे इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है, डेमोक्रेसी आई है, पार्लियामेंट आया है, वोटिंग का राइट्स आया है, ये सब हमारा जो है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करने के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट आया है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले फेडरल कोर्ट था, कोर्ट ऑफ जस्टिसेस थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे देश में लागू हुई थी। बट क्या हम उस चीज़ को बचा पा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मुझे लगता है कि आज के ओकेजन पर हम लोगों ने सोचना चाहिए। कि कई सालों से हम लोग ये कह रहे हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। पहला 2-3 एलिगेशन हमने, बहुत मेजर एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसके पहले, मतलब 20 सालों में, और माननीय कांशीराम जी ने भी लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट में एब्सोल्यूट ब्राह्मणों का वर्चस्व है, और सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो है उसमें ब्राह्मण लोगों को जज बनाया जाता है, और उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मोस्ट ऑफ दी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस नहीं बनाया जाता है। और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, और भारत में जो एक इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया जो है उसके खिलाफ काम कर रहा है, ये हमने एक मेजर एलिगेशन उसके खिलाफ लगाया था। और वो एलिगेशन हमारा अभी भी कायम है। हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है, और वो संविधान के खिलाफ उसने काम नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने एलिगेशन उसके खिलाफ ये लगाया था सुप्रीम कोर्ट के, कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं करता, अन्याय करता है, और जाति के आधार पर हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब SC ST एंड OBC लोगों के खिलाफ जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, संविधान के मूल भावना के खिलाफ जाकर निर्णय देता है, ये हमने दूसरा एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगाया था। और तीसरा एलिगेशन हमने ये लगाया था कि संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर काम किया है,
और वो सुप्रीम कोर्ट संविधान को ही उखाड़ कर फेंकना चाहता है। ये तीन चीज़ें का एलिगेशन हमने पिछले 20-25 सालों से हम सुप्रीम कोर्ट में के खिलाफ लगा रहे हैं और हम एलिगेशन ये प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि गिवन द अपॉर्चुनिटी मैं और मेरे कई सारे दोस्त इस एलिगेशन को हम इस्टैब्लिश करके प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन इस देश में चलाया, उस आंदोलन के तहत जो तीन इंस्टीट्यूशंस निर्माण हुई है पार्लियामेंट, तो आप पार्लियामेंट में देखेंगे कि हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन इस देश में नहीं आ पाया है। आप देखेंगे कि पूना पैक्ट के बाद कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर बड़े पैमाने पर जो डमी नेतृत्व है, चमचा लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ते रहे और ये डेमोक्रेसी को रियल और मीनिंगफुल बनाने के लिए हम कोशिश करते रहे, बट उसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए हैं। हमारी जंग चल रही है, पता नहीं, मुझे लगता है कि 10-15 सालों में हम कामयाब हो जाएंगे इस मामले में। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि न्याय, दूसरी बात जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे कैबिनेट है, कैबिनेट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, हम चुनकर नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से जो है उत्तर प्रदेश को छोड़कर हम दूसरे राज्यों में सरकार नहीं बना पा रहे, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज़ अ मिराकल, तो हम लोग जो है उस मिराकल को हासिल नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश को छोड़कर। मुझे लगता है ये हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ मतलब 500-550 लोग मिलकर कानून बनाते हैं, उस कानून को ख़त्म करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं और हमें पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। बेसिकली पहुँच नहीं पा रहे, ये कोई कारण नहीं है, हमारे पास कॉम्पिटेंस है, मेरिट है, क्षमता है, हम लोगों के पास सब कुछ है, बट हम लोगों को वहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये काम हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये तीन इम्पॉर्टेंट काम मुझे लगता है जब तक हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक सावित्रीबाई फुले की जो जन्मदिन हम मना रहे हैं वो मीनिंगफुल साबित नहीं होगा। मुझे लगता है सावित्रीबाई फुले का ये ड्रीम तो होगा, आप कंसीव कर सकते हैं, मैं कंसीव कर सकता हूँ, सभी लोग कंसीव कर सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने जब एजुकेशन हम लोगों को दिया तो उनका कुछ ना कुछ तो ड्रीम रहा होगा, और मेरे हिसाब से वो ड्रीम यही रहा होगा कि आप इस देश के जो है हुक्मरान लोग बने। तो आओ हम लोग इस देश आज के दिन पे प्रण करते हैं कि हम लोग सावित्रीबाई फुले के ड्रीम के हिसाब से हुक्मरान बनेंगे और उनका जो जन्मदिन है अगले साल बड़े पैमाने पर बड़े उत्सव के साथ मनाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद।